वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। मेरा नाम है सलमान और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी सीपीओ का प्रीवियस पेपर जो कि कंडक्ट होगा दिसंबर 2019 में। देखिए, इस पेपर को लेके आए हैं तो आगे आने वाले पेपर जो होंगे 10+2 का होगा और सीजन के लगे हुए पेपर्स हैं उसको आप काफ़ी एनालाइज कर सकते हैं यहाँ इस पेपर को देख के कैसा पेपर आने वाला है। एसएससी ने क्या लेवल का पेपर सीपीओ में पूछा हुआ है, क्या लेवल की स्ट्रैटेजी आप बनाए कि एसएससी 10+2 लेने जा रहे हैं, सीजन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको काम करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। व्हाट इज द मार्क प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹300। देखिए, फॉर्मूला होता है या ट्रिक है या फॉर्मूला कहीं यहाँ पे देखिए होता है कि सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है और एमपी जो होता है इज इक्वल टू में 100 माइनस और प्लस। लॉस परसेंट अगर हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो माइनस लगा देंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो एमपीएफ का क्या हो जाएगा, एमपी विल बी 100 प्लस 5 दैट मीन्स 105 यूनिट्स और डिस्काउंट सीपी क्या हो रहा है आपका, सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट क्या दे रखा है आपको, 10% डिस्काउंट दे होगा दैट मीन्स 90। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300 मेक्स द प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 300 90 दिखा रहा है आपको 300 के ऊपर। ठीक है, तो 1 यूनिट कितनी दिखाएगा, 300 बाय 90 सो काट लेंगे हम लोग और मुझे निकालना क्या है 105 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो दिस विल बी 10, दिस विल बी 3 और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 दैट मीन्स ₹350। क्लियर है बात, तो आपके मार्क प्राइस इतना आ जाएगा ₹350। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए रूट ऑफ 201 माइनस रूट ऑफ 119, रूट ऑफ 101 माइनस 99 रूट ऑफ 99, रूट ऑफ 301 माइनस 299 रूट ऑफ 299 और रूट ऑफ 401 माइनस रूट ऑफ 399। लेकिन यहाँ पे सारे ही रूट में डिफरेंस दे रखा है वन का, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे नंबर बड़ा होगा उसका डिफरेंस अगर सेम दे रखा है, जहाँ पे नंबर बड़ा होगा तो उसका जो होगा वो डिफरेंस स्मॉलेस्ट आएगा। मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ को। देखिए, मैं छोटा लेता हूँ रूट ऑफ 25 माइनस रूट ऑफ 20, ठीक, एक ऑप्शन लिया मैंने, और रूट ऑफ 36 माइनस रूट ऑफ 31। ठीक है, देखिए डिफरेंस दोनों में 5 का है, यहाँ भी 5 का है और यहाँ भी 5 का है। ठीक, अब यहाँ मैंने रूट ऑफ 25 लिया कि इजी हो गया थोड़ा समझने में आपको, तो ये हो जाएगा 5 माइनस इसकी वैल्यू रूट ऑफ 20 की वैल्यू 4.47 के आसपास आती है। ठीक है, 4.47 के आसपास, तो ये आपको दे देगा 0.53 के आसपास आंसर इसका। अब यहाँ याद आएगा 6 माइनस 31 और 6 माइनस रूट ऑफ 31, देखिए 5 से तो बड़ी आएगी वैल्यू, तो 5.5 के आसपास ही आती है, 5.53 के आसपास आती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस दे देगा 0.47 के आसपास का। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब मैं ये बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो डिफरेंस घट रहा है, जब ये छोटी वैल्यू ले रहा हूँ डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कम डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पर वैल्यू बड़ी होगी, डेट मीन्स रूट ऑफ 401 माइनस रूट ऑफ 399 पे। क्लियर है बात, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एट व्हाट परसेंटेज रेट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ सम ऑफ ₹40,000 विल अमाउंट टू ₹44,100 इन 2 ईयर्स। देखिए, रेट पूछा गया आपसे और 2 साल की बात हो रही है। देखिए, 40,000 गिवन है और 44100 गिवन, पहली बात तो ये आपका 000 कट जाएंगे सारे, ठीक है, 3 जीरो यहाँ से कट गए, तो बचा आपका 400 और 441। अब बात यहाँ 2 साल की हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 21, मीन्स कि 20 की वैल्यू 21 हो गई है। ठीक है, तो 1 इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कहाँ से हुआ, 20 से हुआ, 100 पे कितना परसेंटेज मालूम पड़ जाएगा मुझे, कितना आ गया, 5%। 5% इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। एट इज एडेड टू द फर्स्ट एंड सेवन टू द सेकंड एंड द रेशियो बिकम्स 2:3। व्हाट इज द रेशियो बिकम इफ सिक्स एडेड टू ईच नंबर। देखिए कह रहा है 3:5 है, मैक्सिमम नंबर होगा 3x और 5x। अब कह रहा है कि एट इज एडेड टू द फर्स्ट, एट को हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट में और सेकंड में ऐड कर रहे हैं किसको हम, सेवन इज एडेड टू सेकंड। तो रेशियो कितना हो जा रहा है भाई चेंज होके, ये हो जा रहा है आपका 2:3 या 2/3। इसको मैं करूंगा 9x+24 इज इक्वल्स टू में आपका 10x+ आपका 14। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से आ गई वैल्यू 10। जब एक्स की वैल्यू 10 आ गई है नंबर्स क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ से नंबर हो जाएगा 30, नंबर हो जाएगा 50। छः आप कह रहा है हर नंबर में आप 6 को ऐड कर दिए, दैट मीन्स कि 36 हो जाएगा और 56 हो जाएगा नंबर। अब 6 6 ऐड कर देंगे तो रेशियो कितना रहेगा, 9 टाइम्स 14 से काटेंगे, 4 से काटेंगे ये 14 टाइम्स। क्लियर बात, वैल्यू रेशियो 14 द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी एक क्वेश्चन कह रहा है, अ क्लॉक टावर स्टैंड्स ऑन एट अ क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स व्हिच पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन। पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट्स ऑन द रोड्स ड्यू नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली। वेयर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा एंड पाई। देन पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को समझने को थोड़ा कोशिश करिएगा, थोड़ा विजुलाइज करिए क्वेश्चन को। देखिए कोई रोड है नॉर्थ साउथ में है और ईस्ट वेस्ट में है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। देखिए नॉर्थ साउथ में है ईस्ट वेस्ट में है, रोड कुछ ऐसे होगी क्रॉस कर रही होगी। देखिए बताता हूँ आपको, रोड कुछ ऐसे क्रॉस कर रही होगी आपस में, ठीक। जब ये आपस में रोड क्रॉस कर रही होगी तो यहाँ एक टावर है, ऐसे कुछ टावर है। जब ये टावर है यहाँ पे तो 90 डिग्री रोड से बना रहा होगा और ये आपस में भी 90 बना रही होंगी, ये आपस में 90 बना रही होंगी, ऐसे 90 बना रही होंगी, ठीक। और ये टावर ऐसे खड़ा हुआ है, ये कुछ 3D फिगर में विजुलाइज करिए इसको, तो टावर ऐसे खड़ा हुआ है 90 बना रहा होगा। अगर मैं कहूँगी टावर ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैंने मान लिया टावर खड़ा हुआ है, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट्स, नॉर्थ पे पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ पे पॉइंट है आपका पी, फिर यहाँ पे क्या है आपका क्यू, ठीक। इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन है कि आपको क्वेश्चन को विजुलाइज करना थोड़ा सा। नॉर्थ साउथ तो पता ही सबको कि नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि नॉर्थ पे कह रहा है पॉइंट पी है, क्यू है आपका पॉइंट ईस्ट पे, एस है आपका, आर है आपका साउथ पे और एस है आपका वेस्ट पे। और मैंने कहा एक टावर खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने माना कि ओरिजिन है यहाँ से ओ और ये पी क्यू आर एस टी मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये तो आपस में 90 बना ही रही होंगी, रोड्स आपस में 90 बना ही रही होंगी, ठीक। ये कुछ 3D फिगर है, रोड्स आपस में 90 बना रही होंगी और ये कुछ ऐसे होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी ये 90 ही बना रहा होगा, ये भी 90 ही बना रहा होगा, ठीक। ये ऐसे नहीं है, ये कुछ 3D फिगर है, ऐसे ही 90 बना रहा होगा। अगर मैं अब मैं कनेक्ट कर लूँ चीज़ों को, देखिए यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँ, टी ले लिया, ये पॉइंट को मैं कनेक्ट करूँ क्यू से, ये कनेक्ट करूँ आर से, इससे और इससे, डैट मीन्स कि ये 90 है। तो हमारा क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए पी क्यू, पी क्यू चाहिए हमको, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर। और आपको यहाँ पे और क्या चाहिए, आर एस चाहिए। जब यहाँ पे आर एस चाहिए तो इसमें लगा देंगे हम इस ट्राइंगल में आर ओ एस में, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ आर का होल स्क्वायर प्लस ओ एस का होल स्क्वायर, ठीक। ओ आर का होल स्क्वायर प्लस ओ एस का होल स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है। मैं इसको इक्वेशन वन मान लूँ और इक्वेशन टू मान लेता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर अपॉन ओ आर का होल स्क्वायर प्लस ओ एस का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मैंने कहा 90 डिग्री होगा और साथ में उसने कहा है कि वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बीटा पी पे बना रहा है अल्फा, तो ये ऐसे कुछ, ये ऐसे पॉइंट होगा, तो ये कुछ ऐसे 90 बना रहा होगा, यहाँ पे अल्फा बना रहा होगा, ठीक। यहाँ पे ये बीटा बना रहा होगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो ये बीटा बना रहा होगा और ये गामा कुछ बना रहा होगा यहाँ से ऐसे,
इस पॉइंट पे अल्फा बीटा गामा, और इस पॉइंट से मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे, तो ये फाइव नाला होगा। ठीक, ये फाइव नाला होगा आपका। अब देखिए इस ट्रायंगल को समझिए, इस ट्रायंगल समझिए। तो ये मैं यहाँ एक अलग ट्रायंगल ला रहा हूँ, देखिए ये ट्रायंगल मैं ऐसे बना रहा हूँ। मैंने कहा ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ओ पे 90 डिग्री है, ये पी है, और ये हमारा टावर का टी का हाइट है, और ये आपका फाइव है। ठीक है, ये आपका फाइव है। तो डेट मीन्स मेरी क्या हो जाएगी, टेन फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट मीन्स ओ टी अपॉन ओपी, ओ टी अपॉन ओपी लिख सकता हूँ मैं, ओ टी को ओपी को लिख सकता हूँ मैं, ओपी को, क्योंकि मुझे चाहिए क्या चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए ओपी का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं ओपी का इज इक्वल्स टू मैं ओ टी इंटू कॉट अल्फा, देखिए टेन अल्फा हो जाएगा, ऊपर जाएगा कॉट अल्फा हो जाएगा, डेट मीन्स इसका होल स्क्वायर मैं अगर कर दूंगा तो ओपी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं ओ टी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा। देखिए सिमिलरली सारे ट्रायंगल बन रहे होंगे, सिमिलरली सारे बन रहे होंगे, दैट मीन्स मुझे क्या मिल रहा होगा, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ टी स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा प्लस ओ आर में, ओ आर में क्या मिल रहा होगा, ऐसे ही ओ आर में मिल रहा होगा, अभी आर यहाँ पे है, ओ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ टी का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा। ठीक है, और ओ क्यू का हो ओ एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ टी का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाइव। ठीक, ये फाइव। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यूज चाहिए, पी क्यू अपॉन आर एस चाहिए, तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। जब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे ओ पी की जगह क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा ओ टी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, और मैं ओ आर ओ क्यू जगह क्या पुट करूंगा, पुट करूंगा मैं ओ टी स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, डेट मीन्स ओ टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा अपॉन, फिर मुझे यहाँ से ओ टी स्क्वायर कॉमन मिल गया। ठीक है, जब मैं ओ आर पुट करूंगा तो ओ टी स्क्वायर, और ओ एस पुट करूंगा तो ओ टी स्क्वायर कॉमन मिल गया, यहाँ मिल गया मुझे कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर अल्फा बीटा गामा और फाइव, तो ओ टी कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा अपॉन कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना था कि ये टावर खड़ा होगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको कि टावर कैसे होगा। देखिए ये रोड क्रॉस कर रही होगी आपस में, एक नॉर्थ जा रही है, एक साउथ जा रही है, एक ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है, यहाँ कहीं टावर ऐसे कहीं खड़ा होगा। ठीक है, देखिए टावर कुछ ऐसे कहीं खड़ा होगा रोड के बीच में, क्लियर है बात, जब टावर खड़ा होगा तो 90 डिग्री सबसे बनाएगा ये, क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल टेबुलेशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास बाय मिस्टेक द मार्क्स स्कोर्ड बाय वन स्टूडेंट गॉट रिकॉर्डेड एज 93 इन प्लेस ऑफ 63। देखिए 93 हो गए हैं आपके इन प्लेस ऑफ 63। फिर कह रहा है कि एंड देयर बाय द एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय 0.5, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे गए क्लास में। देखिए यहाँ पे 93 नंबर हो गए हैं 63 से, कितने बढ़ गए हैं, 30 नंबर बढ़ गए हैं, और सब पे कितना एवरेज बढ़ा है, 0.5 का एवरेज बढ़ा है, तो 0.5 का एवरेज बढ़ा है। अगर मैं देखिए पहला ऑप्शन चेक करूँ 20, तो 20 नंबर पे 0.5 का एवरेज बढ़ेगा, तो हर बच्चे पे कितने का बढ़ेगा, हर बच्चे पे बढ़ेगा आपका 30 नंबर बढ़ा हुआ है, और मैं कहूँ 20 नंबर अब बढ़ने चाहिए थे, तो यहाँ पे 0.5 का एवरेज, मैं कहूँ 20 स्टूडेंट्स है तो 20 पॉइंट बढ़ गया, तो यहाँ से तो बात बनती नहीं है। देखिए 60 दिन लेगा तो 60 नंबर बढ़ना है, 60 पे 30 नंबर बढ़ना है, और हर एक बच्चे पे 0.5 नंबर बढ़ रहा है, मीन्स कि अगर 60 बच्चे रहे होंगे तो हर एक बच्चे पे 0.5 नंबर बढ़ने के बाद 30 का एवरेज बढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बच्चे रहे होंगे, 60 बच्चे रहे होंगे, क्लियर बात, यहां से 60 बच्चे होंगे, 30 आंसर नहीं होगा यहाँ पे, 60 आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है 2x+3y प्लस 4 प्लस 2x+3y माइनस 5 इज इक्वल टू ax² + by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस देन द वैल्यू ऑफ g प्लस f माइनस c अपॉन abh। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 2x+3y दिया हुआ है आपको, 2x+3y प्लस 4 इंटू 2x+3y माइनस 5। इसको मैं अगर कहूँ ये a मान लूँ इसको, और मैं इसको b, ये भी a हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन का मतलब नहीं मैंने लेट किया ऐसी कोई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पी क्यू आर एस नहीं, पी क्यू आर एस मान लेता हूँ, ठीक, कन्फ्यूजन ना हो इसमें, पी क्यू आर एस मान लेता हूँ। पी मान लिया मैंने, ये भी पी हो जाएगा, ये क्यू हो गया और ये एस हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे लिखा होगा कुछ, सब पी प्लस क्यू और पी माइनस एस, डेट मीन्स अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डेट मीन्स 2x+3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x² + 9y² प्लस 2 × 2 × 2x × 3y, डेट मीन्स 12xy। क्लियर बात, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पी एस से हो जाएगा, डेट मीन्स 2x+3y × 5, तो कितना हो जाएगा, -10x - 15y। ठीक, अब इससे से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, नीचे लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आपका 8x + 8x + 12y और -20। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4x² + 9y² + 12xy - 2x - 3y - 20। ठीक, अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ax² + by² + 2hx + 2gx + 2hxy + 2gx + c। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो स्मॉल ए की वैल्यू की मिलते हैं, स्मॉल वैल्यू यहाँ पे ए की, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 4 हो गई, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 9 हो गई, और क्या क्या आ गया आपसे, एच एक्स 2hxy, यहाँ पे 2 × मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो एच वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 6 निकल के आएगी, एच की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई, और 2gx का है यहाँ पे नेगेटिव है तो 2 है, जी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, जी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई है, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गई, -3/2 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी -20 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, g+f - c, g+f - c, देखिए 6 + g -1 - 3/2 + c, प्लस सी पूछा गया है, -c, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि -(-+) और ये हो जाएगा 20 अपॉन में जी ए बी एच, ए की वैल्यू कितनी है, 4 × 9 × 6। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 36 × 6, डेट मीन्स 216, और ऊपर ये आ जाएगा आपका, यहाँ से ऊपर आ जाएगा -2 - 3 + 20 40 अपॉन में 216। ठीक, तो ये आ जाएगा 35/2 × 216, डेट मीन्स 432, 35/432, 35/432 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, तो पहले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ऐसे मैं कुछ नहीं कह सकता कि कंपेयर कर इसकी वैल्यू क्या होगी जब तक मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, टी इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट आर टी क्यू इज एन एसोसिएटेड ट्रायंगल एंड पी टी इज इक्वल्स टू 5 QT, द एरिया ऑफ ट्रायंगल आर टी क्यू इज 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज, देखिए
रेक्टेंगल है कोई, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। पहली बात, और पी क्यू पे कोई पॉइंट टी है, पी क्यू को पॉइंट टी है यहाँ पे। फिर कहा है ये कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ये 90 होगा, तो रेक्टेंगल है तो ये तो इक्वल हो सकता, ये दोनों इक्वल होगा, डेट मीन्स क्यू टी इज इक्वल टू में आर क्यू होगा, क्यू टी इज इक्वल टू में आर क्यू होगा। अब कहा गया है कि क्यू टी की वैल्यू 5 ऑफ पी टी है, डेट मीन्स कि अगर इसकी 1 यूनिट वैल्यू है तो इसकी कितनी होगी, 5 यूनिट वैल्यू होगी, ठीक है। ये इसका डायगनल होगा, इसकी 1 यूनिट वैल्यू है, इसकी 5 यूनिट वैल्यू होगी। इसका एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 12√3, मींस की 1 यूनिट की वैल्यू। देखिए ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट सिमिलर होंगे, ट्राइंगल आर क्यू टी और ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है, आपस में कॉन्ग्रेंट सिमिलर होंगे, 90 है, हाइट भी सेम आ रही है। और यदि सिमिलर होंगे तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए ये डायगोनल है तो ये हाफ हाफ डिवाइड करेगा एरिया को, तो इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी भी हो जाएगी 6 यूनिट्स, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है आपको, 12√3। पूछा क्या गया है आपसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है, तो एरिया रेक्टेंगल कितना होगा, 6 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट्स, दैट मींस 12 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, 144√3। क्लियर है बात, 144√3 का सही आंसर होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ जीरो और थीटा 90, थीटा 90 और जीरो के बीच में साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू में कॉस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ थीटा पूछा गया आपसे। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू में 90 माइनस 4 थीटा माइनस 16 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 थीटा इज इक्वल टू में 90 माइनस माइनस 16 माइनस 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 40 और 24, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिग्री आ गई, कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा वैल्यू आ जाएगी 4 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एवरेज रन रेट ऑफ ए क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ओवर्स इज 4.5, व्हाट शुड बी द आस्किंग रेट पर ओवर द नेक्स्ट 30 ओवर्स इफ इट हैज टू चेज टारगेट ऑफ 282 रन इन टोटल। देखिए 20 रन 20 ओवर में बना दिए हैं 4.5 की रेट से, कितने रन बना दिए हैं, बना दिए होंगे 90 रन, ठीक है, 4.5 की रेट से। अब बचा हुआ है आपका 30 ओवर, 30 ओवर में कितने बनाने हैं आपको, बचे हुए 282 माइनस 90, दैट मीन्स 2, 9, 192 रन और बनाने हैं, 192 रन बनाने हैं 30 ओवर के हिसाब से। तो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64, दैट मीन्स 6.4, 6.4 आस्किंग रेट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, APNC entered a partnership with Capitals in the ratio 2:3, ratio 3:5, ratio 5:6. After 8 months, he increases capital share of capital by 25%. At the end of the year, total profit earned is rupees 85820. Then the share of C in the profit is, they get 2:3, 2:3, ratio 3:5, ratio 5:6, 5:6 दिया था, इसको रेशियो इक्वेट कर लेंगे। देखिए एलसीएम 30 आ रहा है तो ये हो जाएगा 20:18, ये आपका आ जाएगा 25। अब कह रहा है कि BA जो है वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है आफ्टर 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स के लिए लगाएगा वो 20 यूनिट और 25% इंक्रीज कर रहा है, तो कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 25 यूनिट्स और वो 4 महीने लगाएगा, ठीक है। और B लगाएगा भाई कितना, 18 × 12, और C लगाएगा 25 × 12। क्लियर है बात, ये हो जाएगा आपका 160 + 100, डेट मीन्स की 260 रेशियो, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई और ये आपका आ जाएगा 18 × 12, काट लेंगे अभी इसको, और ये आ जाएगा 25 × 12। भाई जब इसको रेशियो काटेंगे हम तो ये आपका दे देगा, यहाँ से 130 जा रहा है, 65 ये आ जाएगा, ठीक है, ये 65 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो मैं ये आएगा 54 और ये आएगा आपका
75, 54, 65:54:75 इसका रेशियो आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹5,820, ₹5,820 मतलब कि इस रेशियो की इक्वेट कर देंगे वैल्यूज को। ठीक है, देखिए तो हमें 65 + 54 + 75 ये आपका आ रहा है 194। 194 शो कर रही है 5,820 को, 5,820 को 1 शो करेगी यहां से आपको 30 को, 3 टाइम्स आएगा। और पूछा क्या गया आपसे, 75 की उनकी वैल्यू पूछी गई, तो 75 शो करेगी आपकी 75 × 30 को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2,250, 2,250। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4/5, 6/8 और 8/25। तो फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ अगर पूछा गया है फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम पूछा गया होता तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आपको एचसीएफ पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, 4, 6 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका 2। और नीचे क्या दे रखा है आपको, 5, 8 और 25, इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, 25 × 8 दैट मीन 200, 1/100 इसका एलसीएफ आ जाएगा 1/100। क्लियर है बात, 1/100 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द रोड विच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पी क्यू आर 2 पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द पोल सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू बी एंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल पी क्यू आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ द पोल इज। देखिए कह रहा है मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मान लू तो नॉर्थ साउथ रोड जा रही है, रोड के कुछ ऐसे रोड होगी पोल खड़ा होगा, ठीक है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट क्यू दिया हुआ है, ये पॉइंट पी दिया हुआ है आपका, ये बीटा बना रहा है और ये अल्फा बना रहा है। ठीक है भाई, ये बीटा बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है। अब यहाँ इसको मैं अगर ले लेता हूँ ए बी, ठीक है दे रखा है मैंने, इसको एस मान लिया मैंने और बी पी को मान लिया आपका मैंने एक्स, और आपका बी क्यू को मान लिया वाई। ठीक है भाई, आप लगाएंगे टेन टेन थीटा, टेन टेन अल्फा क्या कहेगा यहाँ पे, टेन अल्फा कहेगा यहाँ पे आपका एच अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, एच अपॉन टेन अल्फा या फिर एच कॉट अल्फा। और वाई की वैल्यू कैसे हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, वाई इज इक्वल टू में एच कॉट बीटा। ठीक है, मुझे ये पता हुआ है बीपी की वैल्यू कितनी है, पी क्यू सॉरी पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी है, और एच पता करना है मुझे भाई, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से। देखिए अगर मैं लिखूं y − x, y − लिख सकता हूं मैं बी, बी इज इक्वल टू में एच कॉट बीटा − एच कॉट अल्फा होगी भाई। वाई की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी होगी, y − x होगी यहाँ से, और y − x क्या होगी, एच कॉट बीटा − एच कॉट अल्फा होगी। ठीक है, इसको एच को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगी, इस वैल्यू में इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगी आपकी बी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, जो कि होगी एच की वैल्यू। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22/3/5 बाय, देखिए मैं लिख लेता हूं वैल्यू को, 22/3/5/2 ऑफ 1/1/3 दैट मींस कितना हो जाएगा, 1/1/3 8/5, 8/5 माइनस ब्रैकेट में आपका 3/8, 3/8 प्लस 1/7 × 1/7 × 7/4, 7/4 माइनस 5/24। आप यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडमास का रूल लगाते हैं। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये आपका आ गया 3
बाय एट प्लस 1/4, डेट मीन्स 8 इसका एलसीएम आ गया और ये आ गया आपका 3 प्लस 2, 5/8। तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, 5/8। अब इसमें सॉल्व करेंगे ऑफ को, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 × 8/5, 4 आ गया। तो ये हो गया 22/3/4, और माइनस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास यहाँ से, 5/8 आई थी, और -5/24 है। आप इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को, डिवीजन सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22/3 × 1/4, ठीक है 11, डेट मीन्स कि 11/6, 11/6 -5/8 -5/24, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम बनेगा आपका 24, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 44 -15 -5, तो 24/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली बॉर्ड मार्क रूल फॉलो कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें आप स्किप नहीं कर सकते एक भी स्टेप बॉर्ड मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, इक्वल टू ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पूछेंगे मतलब हाइट पूछा गया, इक्वल टू ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या है, √3/2a, √3/2 × 12, 6 √3, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4x³y - 6x²y² + 6y³ - y^4 कैन बी एक्सप्रेस एज, देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस पहली इक्वेशन, गिवन इक्वेशन मुझे -y^4 मिल जाएगा, लेकिन -y^4 मिल जाएगा गिवन इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लूंगा तो 4x³y भी 0 हो जाएगा, -6x²y² भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4xy³ भी 0 हो जाएगा, खाली बचेगा -y^4। अब ऑप्शन में देखिए, अगर मैं 0 पुट कर दूँ x की वैल्यू में, कहीं मिले मिल रहा है -x^4, देखिए पहले ऑप्शन में पुट करता हूँ x 0, तो क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, -y^4 मिल रहा है, -y^4 डेट मीन्स पॉजिटिव दे देगा वो, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे x की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये भी क्या देगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने पे y^4 मिल रहा है और -y^4 मिल रहा है, तो फिर वो 0 दे देगा, नहीं मिलेगा। फिर थर्ड ऑप्शन देखिए, x^4 - x - y^4, दैट मीन्स कि x^4 - x - y^4, ठीक है भाई, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, बच्चे क्या माइनस, और ये पावर 4 है तो ये पॉजिटिव देगा, दैट मीन्स कि लेकिन ये बाहर निकल जाएगा तो बाहर -y^4 देगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, x + y^4 - x^4 भी क्या हो जाएगा भाई यहाँ से, वो भी आपका 0 नहीं देगा, y^4 पॉजिटिव दे देगा, क्लियर बात। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे -y आ रहा है और ऊपर वाले में भी -y^4 आ रहा है, तो वही आपका सेटिस्फाई करेगा, थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 0-90 के बीच में है, sec 1 की पावर 107 थीटा प्लस cos की पावर 107 थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए होता है क्या है कि अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, तो कोई भी लगा दिया, इसकी पावर n लगा दिए, इसकी पावर m लगा दिए, इसका आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे वही दे रखा है, sec और cosec क्या होता है, एक अगर मैं x मानूँ तो एक हो जाएगा 1/x, ठीक है, तो इसका आंसर 2 दे रखा है, तो sec थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो उनका सही आंसर कितना होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई परचेज 100 kg ऑफ टी एंड सेल इट फॉर अ प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई हैव पेड फॉर 40 kg, व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि मैंने 100 kg प्रॉफिट पर मैं 100 kg जो है वो टी खरीदी और उतने का बेचा कि अगर मैं जितना मैंने 40 kg का पे किया होता तो कितना प्रॉफिट है भाई, मैंने 40 kg का ज़्यादा का बेचा, डेट मीन्स 40 kg का प्रॉफिट कमाया 40 kg का, और 100 kg पे 100 पे कितना, तो 40% का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 kg का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उतने का बेचा कि जितना मैं 40 kg का पे करता उतने रुपए का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ व्हील हैज 84 सेंटीमीटर डायमीटर, 84 सेंटीमीटर, एंड हाउ फार डज अ व्हील गो इन मीटर्स इन रिवॉल्यूशन, 16 रिवॉल्यूशंस। देखिए डायमीटर कितना रखा है, 84, रेडियस कितनी हो जाएगी 42। पूछा है 16 रिवॉल्यूशंस में कितनी दूर जाएगा मीटर्स में। भाई एक रिवॉल्यूशन में वो एक सर्कम्फ्रेंस चलेगा उसका, दैट मीन कि 2 पाई आर चलेगा, 2 × 22/7 × 42 चलेगा ये एक रिवॉल्यूशन में, और इंटू 16 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6, तो 16 × 2 × 22 × 6। अब देखिए कि यहाँ पे आपका 12 और 4, देखिए यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है 4 2 2 4, जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। ठीक है, और 4 2 2 4, अब मैं ये सेंटीमीटर में है, ये तो मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, डेट मीन 42.24 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ 1 − 1/4 − 2/2 / 1 + 1/1 + 1/3 + 2 × 5/16 / 2/3 / 2 / 4 − 3/3 + 4 / 2/4 − 3/3 + 4 / 2। देखिए इन क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे नीचे से, ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो 1/3 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 7/3, दैट मीन ये हो जाएगा 1 + 1/7/3। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऊपर जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 10/7। क्लियर बात, 10/7, तो ये आपका आ गया 4 − 2/10/7, तो ये आपका 14, 14 ये आ गया, तो 40 − 14/10, 26/10, और मैं कह सकता हूँ 26/10, और ये आ गया आपका 1 − 1/26/10, ये फिर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 26। छब्बीस माइनस दस, 26 − 10/26, 16/26 और 8/13, तो भाई ब्रैकेट का जो आंसर आया वो आया 8/13। क्लियर है बात, अब ये 8/13 आ गया, अब ये आएगा × 5/16। अब क्या लिखता हूं मैं, 8/13 × 15/16 / 2/3 ऑफ है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे हम, और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 × ऑफ है 8/9/4, 9/4 दैट मीन्स 3/2, तो 15/16 / 2/3/2, 3/2 वो सॉल्व हो गया आपका 3/2। अब ये फिर सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद माइनस का ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8/13 × 15/16 × 2/3, 8 आ गया ये, और ये आ गया 5, तो 8/13 यहाँ से 8 कट गया, तो ये आपका आ गया 5/13 माइनस, अब 3 + 4/3³ + 4 का होल क्यूब दे रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी नीचे कट जाएगा, 3/3 + 4, 3 + 4 कट गया, रिमेनिंग क्या बचा, 3² + 4² डेट मीन्स 9 + 16 = 25 −3 × 4 − 12 = 13 बचा, तो 1/13 बचा, 1/13 बचाइए, तो ये आ गया 4/13, 4/13 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, इस क्वेश्चन में आप एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते, ऐसी गलती नहीं कर सकते कि एक स्टेप मिस कर दे, आंसर नहीं आएगा फिर। ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 35 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, 10 × 10⁻³ करंट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। देखिए 4 π r², देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सर्किल का कोन का बेस होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, डेट मीन्स कि π r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 π r² हो जाएगी, आर से आर कट गया आपका, पाई से पाई कट गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 r आ गई, तो l/r का रेशियो कितना आ गया, 4/1। क्लियर है बात, अब l/r का रेशियो 4/1 आ गया,
तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो ये होती है आपकी हाइट, ये होती है आर, ये होती है स्लैंट हाइट, दैट इज एल। तो एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एच, क्योंकि एच की वैल्यू मुझे 35 सेंटीमीटर गिवन है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस आर का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 15। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ 15, रूट ऑफ 15। अब देखिए वन रूट ऑफ 15 कितना शो कर रहा है, 35 सेंटीमीटर। तो वन इंटू कितना शो करेगा, 35/√15, डेट मीन्स रेडियस कितनी होगी आपकी भाई, 35/√15। क्लियर बात, अब देखिए जरा ये, और एरिया वॉल्यूम ऑफ क्या होता है कौन का, 1/3, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज 35/√15, 35/√15, √15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 35/15 इंटू 35 इंटू एच, एच इज 35, ठीक है। ये रूट 15 हट के 15 आ गया, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर होगा रूट 15 का। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कट जाएगा। तो ये आपका आ गया 22 इंटू, इसका होल स्क्वायर होता है 1225 अपॉन में 9। क्लियर है बात, अपॉन में 9। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको लिख सकता हूँ मैं 20+2 इंटू 1225 अपॉन में 9। क्लियर है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 0, ये लिखा ही हुआ है, एक और 0, 2 5 10, 2 4 15, 2 2 4 और 2, और ये कौन रहेगा 2 4 5 0, इसमें ऐड कर देंगे 0 5 9 6 2, 2 6 9 5 0 अपॉन में 9। अब देखिए इसको मैं डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट हियर इज, ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और फिर ये 80 टाइम्स हो जाएगा, तो फिर जाएगा 9 टाइम्स। देखिए 2.994 एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे ये 0.92 के बाद 9 आ रहा है, ठीक है, बाकी 2 के बाद 16 आ रहा है, 6 आ रहा है सेकेंड ऑप्शन में, तो 2.9 वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। बाकी यहाँ पे आपसे सेंटीमीटर क्यूब में है, उसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार से, इसको 1/100 से इंटू 1/100 से इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2.994 आ जाएगा। क्लियर है बात, तो उसकी ज़रूरत नहीं है खास, आपको ज़रूरत क्या थी, यहाँ पे आपने छोड़े लाके 2.994 आपके सही आंसर इसका होगा, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, वही तरीका आपने सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। If the word photograph is spelled with F in place of PH, then what would be the percentage reduction in the number of letters? देखिए photograph word लिखा हुआ है मैंने, photograph PHOTO photo GRAPH photograph। अब वो कह रहा है कि इन दो लेटर्स की जगह पे मैं F का इस्तेमाल करूँ, P और S की जगह पे, ठीक है, यहाँ भी मैं F का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ भी मैं F का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो कितने वर्ड्स हैं, ए लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं यहाँ पे आपके, 10 लेटर्स हैं, 2 हट गए, 2 ही का रिडक्शन तो हुआ खाली यहाँ पे, तो 2 का रिडक्शन हुआ 10 से 100 पे कितना, ठीक है, तो आपका आ गया 10%, 20% is the right answer for this question. अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रैश सिलेंडर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ स्टील, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स आर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन द सिलेंडर इन 10^-3 मीटर होल क्यूब में। देखिए 84 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो हाइट तो आपको मिल गई 84 सेंटीमीटर की। अब उसने क्वेश्चन में कहा है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम मैं बताऊं अगर आपको, तो कुछ ऐसे होगा डायग्राम, एक सिलेंडर यहाँ बन रहा है ये, और एक और बन रहा है यहाँ पे ये, और मतलब कि यहाँ पे उसकी डायमीटर है ये चीज, ये आपको एक की रेडियस आपको दी हुई है, आपको डायमीटर्स गिवन है, एक का 10 दिया, एक का 8 दिया, वो तो इसकी रेडियस दे रखी है 4, एक की रेडियस दे रखी है 5। क्वेश्चन में फॉर्म पूछा गया आपसे वॉल्यूम, कुछ नहीं पूछा गया, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, पाई एच
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 22/7, 22/7 इंटू 84 इंटू, ठीक है, 84 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डेट मीन्स 5 -4 और 5 + 4, तो हो जाएगा 9, क्लियर बात, ये हो जाएगा 9, तो हो गया 12, तो 22 × 12 × 9, 22 × 12 × 9 4 आ गया यूनिट प्लेस पे, और 4 × 9 तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, एक ही ऑप्शन देखा जाए यूनिट प्लेस पे 6 होगा, 2.376 वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सिक्स डिजिट नंबर 479 एक्स वाई जेड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11, 13, देन वाई प्लस जेड डिविजिबल बाय एक्स इज इक्वल टू, लेकिन नंबर दिया हुआ है 479 एक्स वाई जेड, और डिविजिबिलिटी दे रखी है इसकी 7, 11 और 13 से। देखिए 7, 11 और 13 से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उसकी प्रॉपर्टी कहती है कि वो नंबर रिपीट कर रहा होगा, 6 डिजिट नंबर है तो वो 3 डिजिट का रिपीट कर रहा होगा, मान लीजिए ए बी सी कोई है तो ये ए बी सी वापस आ रहा होगा, रिपीट नंबर 6 डिजिट का ये हो रहा होगा, ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 479 नंबर है तो ये भी 479 होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या होता है, 1001 होता है, तो x की वैल्यू 4 हो रही होगी, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 9, पुट कर देते हैं, पूछा क्या गया आपसे, y प्लस z दैट मींस की 16 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्लियर हो रहा है, अगर बातें अच्छी लग रही है तो वीडियो को हमारी जो है ये शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करते रहें वीडियो को और शेयर जितना ज्यादा हो सके करते रहें इसको। थ्री पाइप्स ए बी सी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 2, 3 and 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली, दे आर ओपन टूगेदर आफ्टर वॉट टाइम शुड बी क्लोज सो दैट द सिस्टम गेट्स फिल्ड इन एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes। देखिए इसका एल्सियम लेते हैं, कह रहा है कि ए कोई काम कर भरता है 2 hours में, बी भरती है पाइप बी 3 hours में, और सी भरती है 6 hours में, इसका एल्सियम लेंगे टोटल क्वान्टिटी आ जाएगी, डेट में 6 आ जाएगी, तो ए भर रही होगी 3 units, बी भर रही होगी 2 units और सी भर रही होगी 1 units। अब क्वेश्चन में कहा है कि दे आर ओपन टू वेदर, सबको ओपन कर दिया गया, आफ्टर वॉट टाइम शुड बी क्लोज डेट द सिस्टम गेट्स फिल इन एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes। देखिए 1 hour 15 minutes में एग्जैक्टली फिल हो जाए, देखिए बी को क्लोज कर रहे हैं, ऐसा तो कहा नहीं है कि ए क्लोज कर रहे हैं, तो ए सी पूरा पूरा शुरू से लेके आगे तक खुला हुआ है, डैट मीन्स कि 1 hour में, देखिए 1 hour में ए और बी 4 units भर रहे होंगे, ठीक है, 6 units टोटल भरना है, 4 units भर रहे होंगे, डैट मीन्स 2 units अभी रिमेनिंग रह गया है, अभी ए और सी जो है वो 15 minutes और भरेगा, डैट मीन्स 4 units भर रहा है वो 60 minutes में, 1 hour में भर रहा है 4 units, डेट मीन 60 minutes में भर रहा है, या मैं कह सकता हूँ ऐसे में 60 minutes में भर रहा है 4 units, 1 minute में भरेगा 1/64/60 units और 15 minutes भरेगा 15 से गुणा कर देंगे, डेट मीन्स 1 unit ये भरेगा, 1 unit ये भरेगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 unit और भर गया, तो ये हो गया आपका 5 units कंप्लीट हो गया, क्लियर है बात, 5 units ये कंप्लीट हो गया, अब बचा रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग बचा है 6 - 5, डेट मीन्स कि 1 unit बचा हुआ है, अब ए बी जो है 2 units भरता है 1 घंटे में, तो 1 unit भरेगा वो आधे घंटे में 20 मिनट में, तो 30 मिनट्स के बाद हम बी को बंद कर देंगे और टोटल टाइम जो है वो 1 hour 15 minutes में कंप्लीटली फिल हो जाएगा, क्लियर है बात ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 198,496 आफ्टर प्रोड्यूसिंग 3% डिस्काउंट ऑफ 10%, 5% एंड 4% रिस्पेक्टिवली ऑन मार्क प्राइस, व्हाट इज वाज द मार्क प्राइस, देखिए 10% डिस्काउंट दे रहा है, डेट मीन्स कि 10 को ले सकता हूँ मैं 1/10 और 5% को ले सकता हूँ मैं 1/20,
और 4% को ले सकता हूँ मैं 1/25। क्लियर है बात? दैट मीन्स कि 10 की चीज वो 9 में बेच रहा है, 20 की चीज वो बेच रहा है आपकी 19 में, और 25 की चीज बेच रहा है वो 24 में। आप यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 19 × 24 शो कर रही होगी आपकी सोल्ड फॉर 4 9 8 9 8 4 9 6 4 9 6 4 9 6। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ से आपका कितना है, ये आपका है 10 × 20 × 25 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं। If 10 men can complete a piece of work in 12 days by working 7 hours a day, then how many days 14 men can do the same work by working 6 hours a day? देखिए कह रहा है कि 10 आदमी 12 दिन काम करके 7 घंटे रोजाना काम जो करते हैं, वो ही 14 आदमी कितने दिन काम करके 6 घंटे काम करेंगे रोजाना। देखिए यहाँ से आपका 2 आ गया, यहाँ से आपका 2 आ गया, यहाँ से कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10, और 10 दिन में काम पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए एंड 60 बॉयज फ्रॉम स्कूल बी टुगेदर कैन सेट अप एन एग्जीबिशन इन 5 डेज। विच 5 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए एंड 10 बॉयज फ्रॉम स्कूल सी कैन डू इट इन 4 डेज, और 3 बॉयज फ्रॉम स्कूल बी एंड 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल सी टुगेदर कैन डू इन 10 डेज, देन हाउ मेनी बॉयज फ्रॉम स्कूल ए कैन सेट अप द एग्जीबिशन इन 1 डे। देखिए 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए, मैं बॉयज को लिख रहा हूँ स्मॉल बी से, और स्कूल ए बी सी के लिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से, ठीक है? तो ये रहेगा 4 BA, 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए प्लस 6 बॉयज फ्रॉम स्कूल बी, स्कूल बी कैन सेट 5 डेज में, ठीक है? और 5 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए, 5 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए प्लस 10 बॉयज फ्रॉम स्कूल सी, 10 बॉयज फ्रॉम स्कूल सी कैन सेट अप इट इन 4 डेज, और 3 बॉयज फ्रॉम स्कूल, ये भी इसका इक्वल आगे चलना है इक्वल में, ठीक है? 3 बॉयज फ्रॉम स्कूल बी एंड 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल सी, 3 बॉयज फ्रॉम स्कूल बी एंड 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल सी कैन सेट अप बिटवीन 10 डेज। क्लियर है? अब देखिए निकालते हैं रेशियो ए बी सी का। देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 20 स्मॉल b कैपिटल ए प्लस 30 स्मॉल b कैपिटल बी इज इक्वल्स टू में 40 स्मॉल b कैपिटल ए, सॉरी 20 स्मॉल b कैपिटल ए प्लस 40 स्मॉल b कैपिटल सी, ठीक है? तो यहाँ देखिए ये कट गया आपका पूरा पार्ट, ए स्मॉल ए वाला पार्ट पूरा कट गया, तो आपका रेशियो क्या आ गया यहाँ से बी और सी का, 30 BB इज इक्वल टू में 40 BC। डेट मीन्स बी कैपिटल बी अपॉन कैपिटल सी का रेशियो कितना गया, 4:C। तो 1 रेशियो आ गया कैपिटल बी के स्कूल के बॉयज का, मतलब कि बी स्कूल के बॉयज का 4 और सी के स्कूल के बॉयज का 3, 4:3 यहाँ से आपका रेशियो आ गया 4:3। आप निकालते हैं ए और सी का रेशियो, ए और सी का निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इस इक्वेशन इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, ये तो आपका आ चुका है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, और तो ये आ जाएगा इस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 30 BB + 30 BB प्लस 40 BC, 40 B और C, ठीक है? तो ये आपका 40 30 कट गया यहाँ से, तो ये आ गया 40 स्मॉल b कैपिटल सी इज इक्वल टू में, ये हट जाएगा 20 स्मॉल b कैपिटल ए। तो सी अपॉन ए का रेशियो कितना आ गया, या कह सकता हूँ मैं 4c इज इक्वल टू में 2a, 2a इज इक्वल टू में 4c, तो a बाय सी का रेशियो कितना आ गया, 2/1, ए बाय सी का रेशियो कितना आ गया, 2/1।
अब देखिए यहाँ से ए बी सी रेशियो से क्विड का लूँ मैं अगर यहाँ से, तो ए को लिखूँ मैं, सी के दोनों में कॉमन है, सी इज कॉमन, तो ए आ गया, सी आ गया और बी आ गया। ए सी का रेशियो कितना है 2/1, और बी सी का रेशियो कितना है यहाँ से 3/4, 3/4, तो 6:3:4, 6:3:4 आ गया, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये 6 यूनिट काम कर रही है, 3 यूनिट काम कर रही है, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, यहाँ से देखें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम बी और सी की, तो मुझे वर्क निकल आएगा यहाँ से, मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, किसी के पुट कर दें, मैं इसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 12, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, 12 + 12 × 10 डेट मीन्स 240, 240 यूनिट्स का वर्क आ गया, 240 यूनिट्स का वर्क है, 6 यूनिट का वर्क करते हैं स्कूल सी के बच्चे अलोन, कितने में पूरा कर लेंगे वन डे में, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जाएगा 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी सिर्फ वन डे में कितने, हाउ मेनी स्कूल बॉयज कर लेंगे, वो वन डे में 40 बॉयज कर लेंगे, क्योंकि एक बॉय 6 यूनिट काम करता है। क्लियर है बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ बी ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। देखिए ट्राइंगल बना है ए बी सी जिसमें कि एंगल ए 90 है, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है एंगल ए 90 है और ये बी है और ये सी है, भाई इसकी वैल्यू 25 दी हुई है, फिर कहा है कि मीडियन गिर रहा है। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर जो होता है यहाँ मिड पॉइंट बनता है, तो डैट मीन्स कि ये भी रेडियस होगी, अगर मैं कहूँ ये डी है तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5, तो 12.5 बी डी भी होगा, 12.5 सी डी भी होगा, 12.5 ए डी भी होगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रैक 60 डिस्क ईच ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1/3 सेंटीमीटर आर स्टैक्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। देखिए 60 है और साथ में थिकनेस एक की दे रखी है कितनी 1/3, तो 1/3 करके हम एक डिस्क 1/3 1/3 1/3 करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे 60 लगा देंगे, मतलब कि उसकी हाइट हो जाएगी 1/3, इसे गुणा कर देंगे इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होता है आपका 21 सेंटीमीटर डायमीटर रखा है, डेट मीन्स 21/2 × 21/2 और साथ में पाई आर 7, क्या दिया आपको सिलेंडर दिया, तो पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला। देखिए ये कट जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा और उसके बाद फिर आपका ये कटा 11 आ गया, ये कटा आपका 30 आ गया, डेट मीन्स 11 × 30 × 21, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा होगा भाई, यूनिट प्लेस पे 0 और 3 आ रहा होगा, 0 और 3 आ रहा होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहां पे 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे वही इसका आंसर होगा, 6.93 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 6.93 × 10^-3 वाला, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है 12 − 3 m³ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, क्रैश री इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 years एंड 3/5 ऑफ अ सम एट 6% पर एनम फॉर 2 years एंड द रिमेनिंग एट 10% पर एनम फॉर 2 years, ए टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1674 ऑफ द टोटल सम इन्वेस्टेड इज। देखिए 1/8 यहाँ पे मैं लेट करूंगा, देखिए लेट मैं कुछ भी कर सकता हूँ प्रिंसिपल को, बट अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/8 दे रखा है और 3/5 दे रखा है, तो मैं 5 और 8 का एलसीएम ले लूंगा क्योंकि वो सारी वैल्यूज कट जाएगी, ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे 1/8 और 3/5 का एलसीएम यहाँ मैं लूंगा, तो दिस विल गिव दस 40, तो मैं ले लेता हूँ 400 यूनिट्स, 40 है 0 मेरी मर्जी है, 10 लगाओ 4 लगाओ 15 लगाओ क्या फर्क पड़ता है 10 से, ठीक है, तो यहाँ मैंने लगा लिया 400 यूनिट मैंने लेट कर लिया, उसकी 1/8 वो कह रहा है कि वो लगा रहा है, 1/8 लगा रहा है वो कितने परसेंट है भाई 5% पे, मींस कि 50 लगा रहा है 5% पे 2 साल के लिए 100, और उसके बाद क्या कह रहा है वो 3/5 अगर सब लगा रहा है, 3/5 मैंने लटका रखा है 400,
मैंने जब 400 लेट कर रखा है यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है, 80 डेड मीन्स 240, 240 वो लगा रहा है इनटू कितने परसेंट लगा रहा है, 6% लगा रहा है, 6% पे लगा रहा है इनटू 2 साल के लिए अपॉन में क्या 100, और रिमेनिंग अमाउंट लगा दे रहा है वो 10% के लिए। भाई 240 यहाँ लगा दिए, 50 यहाँ लगा दिए, 290 हो गए, बचे कितने, 110 यूनिट। तो 110 यूनिट लगा रहा है वो 10% पे 2 साल के लिए। अगेन अब देखिए यहाँ से कितना लग रहा है हमेशा, यहाँ पे आप मैं चेक करूँ तो ये आ जाएगा 500, और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5+। इसको गुणा कैसे करेंगे, 12 ये है और 24 × 2 होता है 12, 12 × 2 होता है 24, डेट मीन्स 144 × 2 288, 288 का 0 इज देगा तो 28.8 हो जाएगा, और प्लस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 22 आ गया, तो उसको ऐड करें भाई कितना आ जाएगा, ये 28 और 22, दैट मीन 30 और 50, 50 और 55, और 55.8 शो कर रही है किसको, 1674 को, 1674 को। तो भाई यहाँ से निकाल लें, ये आ जाएगा 10, गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा हो जाएगा 10 पे, ये हट जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो मुझे देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 4 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा मुझे कैरियर से, तो 1 दिखा रही है 30 को। क्लियर है बात, तो पूछा क्या गया आपसे, कितना अमाउंट लगाया गया, मैंने 400 यूनिट लेट किया था, तो 400 दिखा रही होगी कितने यूनिट, 30 × 400 को, डेट मीन्स की 12,000 रुपए उसने लगाए होंगे। क्लियर है बात, लेट आप कुछ भी कर सकते थे, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने 400 लेट किया। मेरा मेन मकसद यही है कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस इजी हो सके उतनी ज्यादा कर ली जाए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली, व्हाइल सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन द टैंक विल गेट फिल्ड इन। ए फिल कर रहा है वो 6 में, बी फिल कर रहा है 8 आवर्स में, और सी फिल कर रहा है -10 आवर्स में। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए इसका अगर मैं करूँ तो 6 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 2, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2, और 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 5, डेट मीन्स ये आ गया 8 और ये आ गया 5, 40 और एक 3 और ये, तो 120 इसका सही एलसीएम होगा, 120। तो ये आपका आ गया भाई, ये क्वांटिटी आ गई, मैंने क्वांटिटी लेट कर ली, ये आपके एफिशिएंसी आ गई कितने 1 घंटे में कितना भर रहा है, उसके बाद ये आपका आ गया 20 यूनिट भर रहा है, ये आपका आ गया 15 यूनिट, और ये आ गया आपका -10 है, तो ये आपकी 12 यूनिट खाली कर रहा है, डेट मीन्स जो इफेक्टिव भरी जा रही है वो कितनी भरी जा रही है आपकी 35 23 23 यूनिट भरी जा रही है। और पूछा क्या गया आपसे, टोटल टाइम लगेगा तो 120/23। क्लियर है बात, 120/23, 5 से गुणा 5 से करेंगे तो 5 ये आ जाएगा, 5 5 बाय 23, 5 5 बाय 23, क्योंकि 115 होता है 23/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ 1/8 x + 1/y का होल स्क्वायर -x - 1/y का होल स्क्वायर। देखिए 1/8 x - 1/y का होल स्क्वायर -x - 1/y का होल स्क्वायर ये गिवन है आपको, तो इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है भाई ए और बी लिखा हुआ है, तो ये ले सकता हूँ मैं, a² - b² पता है फॉर्मूला आपको, नहीं पता तो पढ़ लें, कक्षा 6 या 7 भी एनसीईआरटी में दिया होगा, ठीक है a - b, तो a+b हो गया, a - b हो गया, ये तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ से कुछ ऐसे, x + 1/y + x - 1/y और x + 1/y - x + 1/y, ठीक है भाई, तो और ये 1/8 साथ में लस्ट चल रही है, तो अब देखिए यहाँ से 1/y कट गया, x से x कट गया, तो ये आपका आ गया यहाँ से 1/8 of 2x × 2/y, देखिए कट गया, तो आपका आंसर आ गया x / 2y,
एक्स अपॉन टू वाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर बात है? तो क्लियर है तो कमेंट लिखते हैं, यस क्लियर है, ठीक है, कमेंट करते रहे, हाँ बातें क्लियर हो रही हैं, और भी वीडियोज आ जाएंगी। अकॉर्ड द लार्जर अमंग द टू कॉन्सेक्युटिव सर्किल्स इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द टेंजेंट द स्मॉलर सर्किल इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्किल्स। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं भाई, जहां पे सेंटर्स उनका होता है सेम, क्लियर है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स वो होते हैं जिनका सेंटर होता है सेम। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल की कॉर्ड भी, कॉर्ड क्या होती है, दो पॉइंट से दो सर्किल को टच करती है, तो ये कॉर्ड हो गई लार्जर सर्किल की, बट वो टच कर रही है छोटा वाला सर्किल को एक पॉइंट पे, तो इस वाले सर्किल के लिए क्या हो गई, वो टेंजेंट हो गई। वही क्वेश्चन में कहा है कि जिसके लिए वो टेंजेंट है और इसके लिए कॉर्ड है, उसकी लेंथ क्या दे रखी है मुझे, मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए ये रेडियस है, यहां मैं गिराऊंगा अगर यहाँ पे रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर गिरता है, और ये परपेंडिकुलर गिरने के साथ साथ एक काम और करता है टेंजेंट पे कि जिसको ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है, दैट मींस ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। अगर मैं मान लू इसको ये ओ है तो ये डी मान लेता हूँ, अगर बी मान लो ए डी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर साफ नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका पॉइंट डी और ये अगेन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है बातें अब सारी। अब देखिए ये यहाँ से अगर मैं गिराऊँ और सेंटर, देखिए ये रेडियस है इस छोटे वाले सर्किल का और ये रेडियस है बड़े वाले सर्किल का, इसको मैं कैपिटल आर मान लूँ और इसको मैं स्मॉल आर मान लूँ तो क्या हो जाएगा रेडियस, इसको मैं और ये 90 पे, तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कैपिटल आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू में स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25, ठीक है 25। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि इसका एरिया, इसका एरिया चाहिए मुझे, उसने कहा है कि इसका एरिया चाहिए भाई, तो इसका एरिया क्या होगा, बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया, तो बड़े सर्किल का एरिया क्या होगा, मैंने कैपिटल आर मान रखा है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो बड़े वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 25, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 25 पाई, क्लियर है, 25 पाई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट सीरीज नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 12 15 15 20 20 24 24 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 8 11 16 20 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। देखिए पहली बात तो है कि लार्जेस्ट सीरीज नंबर होगा क्या, लार्जेस्ट सीरीज नंबर होगा 9 9 9 9 एंड 9 9, ठीक है, 2 2 4 2 6, किसी का फोन नंबर हो सकता है ऐसा, यहाँ का मैं लगा दूँ को 9 9 9 9 9, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 15 20 24 और 30, 12 15 20 24 और 30 पे डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर लीव कर रहा है, वो रिमाइंडर लीव कर रहा है 8, 8 के बाद लीव कर रहा है 11, 11 के बाद लीव कर रहा है यहाँ पे 16, और इस पे कर रहा है आपका 20, और इस पे कर रहा है आपका 26। देखिए डिफरेंस एक बार यहाँ पे ध्यान दी, यहाँ पे डिफरेंस सबका सेम है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, और डिफरेंस सबका सेम है, तो भाई डिफरेंस सेम है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 12 15 20 24 और 30 का, कितना आ जाएगा 3 × 6 लिख सकता हूँ मैं 12 को, या और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 5, लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 5, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 × 3 × 2 × 2, ठीक है, उसके बाद मैं 30 लिख सकता हूँ मैं 2 × 3 × 5। अब देखिए एलसीएम क्या से लेंगे यहाँ पे, देखिए 5 तो भरी एक बार है, तो 1 2 3 5 ये बाहर आ गया, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर होगा उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर 2 कहाँ पर है, 1 2 3, 3 बार 2 है,
टू इंटू टू इंटू टू, और तीन कितने बार है भाई, तीन तो सब में एक ही एक बार है, तो यहाँ पे 3 से गुणा और कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये इंटू 15, दैट मीन्स कि 120, 120 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका 120 एलसीएम आ गया है, तो 120 से 120 से हम 99 99 99 99 को डिवाइड कर देंगे, क्लियर है बात, 99 99 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा मुझे भाई, यहाँ से 3 टाइम जाएगा ये 99 120 आ जाएगा, 8 टाइम्स 840 96, तो ये 960 हो गया ये, और ये 39 आ गया, फिर 99, अब ये 3 टाइम जाएगा, ये आएगा 360, ये आ जाएगा आपका 39 अगेन, फिर ये 9 उतार देंगे, फिर जाएगा ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, फिर 1 और कर सा जा गए, 2 यहाँ कवर हो गए, 3 यहाँ कवर हो गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक और आ जाएगा 360, और फिर जाएगा 9 से, फिर जाएगा 3 से 3 833 आ जाएगा, ठीक है, तो 833.333 कंटिन्यूस में रहेगा, बाकी यहाँ पे आप देखिए रिमाइंडर क्या मिल रहा है उससे, मतलब हमको नहीं है मतलब हमको यहाँ पे है आपको कि मिल क्या रहा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है यहाँ से 39, अब देखिए रिमाइंडर 39 मिल रहा है, और साथ पे ये कह रहा है कि लीव कर रहा है, रिमाइंडर कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे 4 का, डिफरेंस कितना था 4 का, डेट मीन्स 39 प्लस 4 कर देंगे, तो कितना हो गया 43, ठीक है, अब नंबर क्या होगा, नंबर भाई होगा आपका 9999 माइनस 43, ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, और 9 9 9 9, तो 9999 56 को हम 12 से और 15 से 8 से 24 30 से रिस्पेक्टिवली डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा 8 11 16 20 और 26 रिमाइंडर मिलेगा, तो नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट डिजिट नंबर, दिस विल बी द 9999 56, क्लियर है बात, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9, पावर 1/9 मतलब कि नाइन्थ रूट पूछा गया है आपसे, नाइन्थ रूट पूछा गया है, देखिए मैं लिख सकता हूं इसको 0.8 अपॉन % है तो अपॉन 100, ठीक है, अब ये 0.8 है तो 0 से पॉइंट हटाएंगे यहाँ से हम इसको, तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से 100 मल्टीप्लाई % हटा देंगे, फिर क्या कह रहा है 0.008, अब यहाँ से 0.008 है इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 × 1/100, और 8 8 से ये होगा, और देखिए अब कितने जीरो आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 3 9, देखिए 9 जीरोज ऊपर आ रहे हैं, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 × 2 × 2, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और × 2 × 2 × 2, मतलब कि ये 2 9 टाइम्स लिखा हुआ, क्योंकि 8 होता है 2 का होल क्यूब, तो अपॉन में कितने टाइम जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देखिए मुझे 9th रूट चाहिए इसका, मुझे क्या चाहिए इसका, 9th रूट चाहिए, 9th रूट चाहिए, सब कुछ हट जाएगा, बचे क्या 2 अपॉन 10 बाहर आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 0.2, क्लियर है, 0.2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इतने कह रहा है कि द सैलरी पर्सन, द मंथली सैलरी पर्सन वो 50,000, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस एक्सपेंसेस ई, टैक्सेस टी, फिलैंथ्रोपी पी, एंड रेस्ट वाज हिज सेविंग्स, ई वाज 50% ऑफ द इनकम, टी वाज 20% ऑफ ई, एंड पी वाज 50% ऑफ टी, व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40% ही मेंटेन्ड द परसेंटेज ऑफ 11% लेवल ऑफ ई, बट टी बिकेम 30% ऑफ ई एंड पी बिकेम 20% ऑफ टी, व्हाट बाय व्हाट परसेंटेज द न्यू सेविंग्स मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग्स, देखिए कह रहा है कि 50,000 रुपये था उसका इनकम, 50,000 रुपये था वो, ई कितना है भाई, ई है उसका 50%, डेट मीन्स कि 25,000, फिर क्या कह रहा है, टी टी वॉज 20%, 20% टी है और पी है, ये आपको 20% है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 5,000, और ये कितना है भाई, ये आपका ई का है 15%, तो ये आपका हो जाएगा पी, सॉरी टी का है 15%, डेट मीन्स कि ये हो जाएगा 750, कितना खर्चा किया उसने, खर्चा किया उसने 30,750, 30,750 खर्चा किए उसने, बचाया कितना, बचाया 50,000 माइनस कर देंगे 250 ये आ गया, और 219,500, 19,250 बचाया उसने, ठीक है, 19,250 रुपये सेविंग थी उसकी,
अब वो कह रहा है कि 70,000 की सैलरी हो जाए, मैंने 40% बढ़ जाए, फ्लैट में 70,000 हो जाए, 70,000 सैलरी हो जाएगी उसकी। तो अब वो कह रहा है कि परसेंटेज लेवल ऑफ ई जो है उसने सेम रखा है, तो ये भी 35,000 खर्चा करेगा, फिर 50% खर्चा करेगा, बट कह रहा है कि ई बिकम बट टी बिकेम 30% ऑफ ई। टी कितना हो गया भाई? 30%। इसको 30% में 30 मल्टीप्लाई करूंगा, 10,500 हो जाएगा ये। और टी बिकेम 20% ऑफ टी, पी 20% हो गया, डेट मीन्स कि ये आ गया है आपका 2100, दो मल्टीप्लाई करेंगे 2100 आ गया। यहाँ खर्चा किया उसने आपका 35,000 और ये 42,100, ठीक है, 47,600 रुपये, 47,600 रुपये। तो बचाए कितने उसने? बचाए उसने 22,400 रुपये, बचाए उसने 22,400 रुपये। अब वो कह रहा है कि इस कितनी सेविंग है, घट और बढ़ रही है, देखिए क्लियरली दिख रहा है कि मोर हो रही है, ठीक है, तो लेस का ऑप्शन तो अलग हट गया। अब कितनी ज्यादा है, देखिए यहाँ पे सेव कितना ज्यादा कर रहा है, माइनस करेंगे तो ये आएगा 150, और 3,150, 3,150 कहाँ से? 19,250 से। भाई ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 10 से ऊपर है, ठीक है। मैं अगर और अप्रोक्सीमेट करूँ इसको, अगर मैं 300 मान लूँ इसको, 20,000 मान लूँ, तो 15% के आसपास देगी। ऊपर ऑप्शन दे रखा है आपका कितना, 16.4% मोर, तो उसका आंसर 16.4% मोर ही वाला होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेज़ियम आर 27 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ द ट्रेपेज़ियम इज 8 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द एरिया, एरिया पूछा गया है इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो 27 हाफ इनटू 27 प्लस 13 इनटू 8, क्लियर है। आप देखिए यहां से 4 दिया आ गया, ये कितना आ गया 30 और 40 इंटू 4 मतलब कि 160, 160 है ये, इसको गुणा कर लेंगे हम, एक बटे 100 से चेंज भी करना है मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.016, 0.016, क्लियर है, 0.016 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 320, 320 प्लस 342 प्लस 530 प्लस 915 डिवाइड बाय 20 प्लस 22 माइनस एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 43, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए लिख लेते हैं, 320 प्लस 342 प्लस 530 प्लस 915, अब देखिए ऐड करिए इसको, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको ऐड करूंगा मैं, 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 3 20, ठीक है 2000, फिर जोड़ लेते हैं एक बार, 3 3 छः, 6 5 11, 11 9 2000, ठीक है। और इसको फिर जोड़िए आप लोग, तो ये 2 तो 4, 6 6 3, 6 6 3 9, 9 1 10, ठीक है 1000, 1000 100 आएगा, 1000 नहीं 100, 100 और प्लस ये 2 और 5 7, तो ये आ गया आपका 2107, 2107, 2107 डिवाइडेड बाय कितना है आपका, 22 प्लस 20 प्लस 18, दैट मींस कि ये हो गया 22 प्लस 18 इज 40 और प्लस 60, 20 60 हो गया, इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 43, ठीक है। अब ये आ गया आपका 2107 अपॉन 43 इंटू इज इक्वल टू में 60 माइनस एक्स, ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया, ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 49, 49 टाइम्स, 49 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, तो एक्स वैल्यू कितना आ गया 11, आंसर कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, पर्सन हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, ही फाइंड दैट ही हैज कवर्ड 5/6 ऑफ डिस्टेंस इन 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स, वॉट इज स्पीड। देखिए 5/6 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5/6 ऑफ डिस्टेंस कितना होगा 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर वो कवर कर रहा है कितने टाइम में, 3 घंटे 20 मिनट में, 3 घंटे और 20 मिनट, और 20 मिनट आर में कन्वर्ट कर लेंगे, 20/60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 1/3 में, ठीक है 3 1/3 आवर्स में, यहाँ मैं लिख सकता हूँ उसको आपका 10/3,
तो 75, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ टू रेलवे इंजन इज इन द रेशियो 5:4। इफ दे मूव ऑन द पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एंड इफ द स्लोअर इंजन इज अहेड ऑफ द फास्टर इंजन बाय 8 किलोमीटर व्हेन द लेटर स्टार्ट्स देन हाउ फार विल द फास्टर ट्रेवल टू द बिफोर टू इट ओवरटेक द स्लोअर वन। देखिए 5:4 स्पीड दे रखा है, तो मैं कहूँ 5x या 4x से डायरेक्टली मैं ले लूँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी और 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। ठीक है, ए की मैं मान लेता हूँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो फास्टर वाले की है, और स्लोअर वाले की मैं लेता हूँ फास्टर को एफ से और स्लोअर को एस से, इसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि जो स्लोअर ट्रेन है वो 8 किलोमीटर आगे खड़ी है, पहले ही वो आगे खड़ी है, मतलब कि अगर यहाँ ट्रेन फास्टर वाली है एफ है तो यहाँ 8 किलोमीटर के बाद खड़ी हुई है स्लोअर वाली। अब दोनों चालू होती है एक ही साइड में पैरेलल डिस्टेंस में, जब पैरेलल डिस्टेंस में जाएंगी तो उनका क्या होगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जी कवर कितनी करनी है, डिस्टेंस को कवर करनी है 8 किलोमीटर, टाइम कितना लेगा वो 8 घंटे लेगा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की रहेगा डिस्टेंस 8 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि वहां से कि स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक करने में फास्टर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। भाई 8 आर में 5 की स्पीड से 40, ठीक है 40 घंटे में पूरा हो जाएगा, 8 किलोमीटर कवर करना है 5 की स्पीड से 40 घंटे में कवर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू अ पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ कार फ्रॉम 5 शोरूम से बी सी यानी 2018। नंबर ऑफ कार सेल हुई है 5 शोरूम से 5 लाख। देखिए व्हाट द सेंट्रल एंगल नियरेस्ट 2.1 डिग्री ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग द सेल्स फ्रॉम द शोरूम सी इज। देखिए शोरूम सी से पूछा गया है कितना डिग्री बनाई है। 14% सेल हो रही है, 100 पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, तो आपका मिल जाएगा आपको डिग्री, यहाँ से डिग्री मिल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, और ये देखिए यूनिट प्लेस में क्या रह देगा, 4 देगा, यूनिट प्लेस 4 देगा, एक ही ऑप्शन है, 4 आ रहा है 50.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ कार सोल्ड फ्रॉम द शोरूम्स बी एंड डी। बी एंड डी से कितना नंबर ऑफ कार शोरूम हो रही है, बी से देखिए 22 हो रही है 22%, और डी से कितनी हो रही है आपकी 9%, दैट मींस की टोटल 31% 31% सेल हो रही है, तो 31% ऑफ 5000। ठीक है, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 15, 1550 कार सोल्ड हो रही है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डीआई का, ऑर्डर द टू बार ग्राफ्स प्रोवाइडेड बिलो, वन शोज द अमाउंट इन लाख इन्वेस्टेड बाय कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल्स ओवर द ईयर, सबसे ऊपर वाला है वो आपको शो कर रहा है कि रॉ मटेरियल्स का, फिर एंड द अदर शोज द वैल्यू इन लाख ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर्स। ऑरेंज वाला शो कर रहा है आपको रॉ मटेरियल का, एंड ग्रीन वाला शो कर रहा है आपको सोल्ड बाय कंपनी रॉ फाइनल फिनिश गुड सोल्ड बाय कंपनी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 1997 टू 2000 एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड 1997 टू 2007। अब देखते हैं कि रॉ मटेरियल में कितनी 1997 से 2000 तक जो है वो की गई है, 1997 में कितना हुआ है 375 यूनिट्स, 375 प्लस 1997 भी काउंट करेंगे, 1998 भी काउंट करेंगे, 330 330 प्लस 330 प्लस 425 प्लस 525 प्लस 420 525 प्लस 420। क्लियर है, अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है आपका, ये आ जाएगा 600 900 900, ये आ गया और चलिए 600 और 900 900 में ये आ गया आपका, बचाइए 330 और 420 और। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 5 और 16 1650, और आपसे 1650 का एवरेज पूछा गया है, एवरेज सेल पूछी गई है, तो 4 से भाग भी कर देंगे इसको, 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 412.5। अब ये एवरेज सेल हो गई रॉ मटेरियल, एवरेज परचेज हो गई रॉ मटेरियल की। अब फाइनल ग्रोथ की सेल कितनी है, देखिए 1997 से 2000 के बीच में पूछा गया है,
लिखता हूँ मैं, 500 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 460, डेट मीन्स ये हो गया 1000 1500 1940 1960 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर पूछा गया आपसे तो कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 4 4 और 9 और 490, तो 490 और 412.5, इसको माइनस करेंगे 577, 77.5 लाख रुपीज़ का, क्लियर है, 77.5 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गिवन ग्राफ चार्ट रिप्रेजेंट्स द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स D1, D2, D4, D5 इन द स्टेट एंड द सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन पर्टिकुलर ईयर, मार्क्स सिक्योर आउट ऑफ टोटल 100। देखिए 100 में कितने मार्क्स स्कोर किए, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स, इंग्लिश में 5 डिस्ट्रिक्ट में कितने एवरेज परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए। देखिए 70 प्लस 60, 70 स्कोर किया प्लस 60 स्कोर किया प्लस अगेन 60 स्कोर किया प्लस 85 स्कोर किया प्लस 90 स्कोर किया, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 120, जोड़ लेते हैं यहाँ से 7 6 13 13 6 19 19 और 8 27 27 9 आपका 36 36 और ये 5 और 365 स्कोर किए हैं, कितने में से, 5 सब्जेक्ट है, 500 में से इनटू 100 पे कितना परसेंटेज पूछा गया है आपसे, तो ये हो जाएगा आपका 73%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन वर्नाकुलर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स D1, D2, D4 एंड D3, D5। देखिए D1, D2, D4, D3 और D5, D1 में कितने हैं, D1 में बढ़ने को आपके हैं 80, D2 में कितने हैं 70, 150 ये हो गए, और प्लस D4 में कितने हैं आपके 75, 150 ये होगा, 75 होगा 225, 225 अपॉन 300 इंटू 100, ठीक है, तो ये आपका आ गया 75%। D3, D5 में कितना पूछा गया है, D3 और D5 में, D3 में कितना है आपका 50 प्लस 55, दैट मीन्स 105, 105 बटे 200 इंटू 100, ये आपका आ गया 52.5%। डिफरेंस पूछा गया आपसे, तो 75% माइनस 52.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 22.5%, 22.5% द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच क्लास ऑफ बाउंड्रीज डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 करस्पॉन्ड्स टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 कहाँ करस्पॉन्ड कर रही है, देखिए भाई 20.5 से लेकर 30.5 के बीच में करिए, 20.5 से लेकर 30.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन 30.5 ऑन एवरेज, ऑन एवरेज जो है क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऑन एवरेज जो है एवरेज स्कोर कर रहा था, और 30.5 कितने लोगों ने 0.5 ज्यादा स्कोर किया हुआ है, तो 12 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, तो ये आपका आ गया 20 और 34, 34 लोगों ने, क्योंकि एवरेज ऑन एवरेज पूछा है तो ऊपर भी एवरेज स्टूडेंट ने स्कोर दे रखा है 50 लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ द 50 प्लेयर्स, 50 प्लेयर्स का ओवरऑल एवरेज क्या है स्कोर। देखिए एवरेज स्कोर निकालने के लिए इनके मीन क्लास का पहले हम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, जो क्लासेस दे रखी है 10.5 और 20.5 का एवरेज कितना आएगा आपका 15.5, 15.5 में कितने हैं 6 बंदे, फ्रीक्वेंसी 6 दे रखी है, प्लस इनका एवरेज कितना आएगा 20.5 और 30.5 का एवरेज कितना आएगा 25.5,
25.5 का एवरेज कितना है, कितने बंदे हैं यहाँ पे, 10 बंदे हैं, प्लस 30.5 और 40.5 का एवरेज कितना आएगा, 35.5, और कितने बंदे हैं यहाँ पे, 12, ठीक है, प्लस 40.5 और 50.5 का एवरेज कितना आएगा, 45.5 आएगा, और कितने बंदे हैं यहाँ पे आपके, 16, प्लस फिर 50.5 और 60.5 का कितना आएगा, 50.5, ये आएगा 55.5, इसमें कितने बंदे हैं आपके, 6, 4, प्लस 60.5 और 70.5 का कितना आएगा, 60.5 का 65.5, 65.5 आएगा, इसमें कितने बंदे हैं आपके, 2, भाई इन सबको हम ऐड कर लेंगे, जब इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट 185, 1855, ठीक है। आप पूछ रहे हैं एवरेज स्कोर, तो भाई कितने बंदे यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, प्लेयर्स है 50 प्लेयर्स है, तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.1%, 37.1, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, ये एवरेज जो है तो निकालेंगे, पहले हमको उनके मीन जो क्लास दे रखी है उनका एवरेज निकालना पड़ेगा, बाद में गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन फाइव स्टेट्स ए बी सी डी एंड ई ऑफ ए कंट्री हु क्लेम इंश्योरेंस ड्यू टू ड्रॉट इन द ईयर 1970 एंड रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स टू फीमेल्स ड्यू टू नंबर ऑफ फार्मर्स इन स्टेट रिस्पेक्टिवली। और पाई चार्ट गिवन है, डेटा साथ में दिया हुआ है, साथ में कहा है कि टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स कितने क्लेम कर रहे हैं, 2,64,000, क्लियर है। अब क्वेश्चन मेरा है द नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम इंश्योरेंस इन स्टेट सी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम इंश्योरेंस इन स्टेट ई एंड ए, स्टेट ए टुगेदर बाय 5,280, 5,280 ज्यादा है। देखिए सी में कितना क्लेम कर रहे हैं वो, 36%, 36% क्लेम कर रहे हैं 2,64,000 के, इज इक्वल्स टू में आपका 24% ऑफ 24% ऑफ 2,64,000 प्लस अगर मैं एक्स परसेंट मान लू ई का, तो एक्स परसेंट ऑफ 2,64,000 कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है भाई 5,280 से, 5,280, इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना, 12%, 12% ऑफ 2,64,000, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई हम लोग, तो दिस विल गिव द रिजल्ट एज 1,244, 1,272 और 4,76 और 7 कैरी ओवर आया, 24 और 7 31, 24, 7, 31, 316,800, 316,800 इज इक्वल्स टू में माइनस कर देंगे 5,280, 5,280 माइनस करेंगे, 5,280, तो ये आ जाएगा 0,04 और ये 6,2, तो 2,64,000 इज इक्वल्स टू में एक्स परसेंट ऑफ 2,64,000, तो कितना आ गया भाई, एक्स की वैल्यू आ गई 10%, तो ई कितने लोगों ने, फार्मर ने ई का क्या वैल्यू है, कितने फार्मर ने इसलिए क्लेम किया होगा, 10% ने। यह आपकी एनालिसिस कंप्लीट होती है 9 दिसंबर में, जो फर्स्ट ईयर में पेपर हुआ था 2019 में, तो आपको एनालिसिस कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं, बाकी जो आने वाले पेपर जो हुए हैं उनमें आपके एनालिसिस आ जाएगी, ये आप हमें देखें और ये आपको हेल्प मिले काफ़ी, कि जो पेपर्स आने वाले हैं 10+2 के और सीजीएल के, उसमें आप इसको चीज़ को देखें और वहाँ पे आप काफ़ी आइडिया कर सकते हैं कि कैसा पेपर एसएससी पूछने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने नोट की कि काफ़ी क्वेश्चंस थे, इजी थे, लेकिन लैंग्वेज वैसे रखी थी कि उनको क्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग लैंग्वेज थी, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें जहाँ पे आपके लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन हो, लैंग्वेज अच्छी दी हुई हो, ठीक है। बाकी पेंडुलम मीडिया वेबसाइट पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, हिंदी मिल जाएंगे, इंग्लिश मिल जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहें, करंट अफेयर्स डेली हमारे पेंडुलम मीडिया यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं, उसको देखें, डेली क्विज होती है उसको जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।